गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका सागर सर, याद रहे मैं पहले ही कह दे रहा हूँ क्लियर कट कि मेरा नाम सागर सर है। कोई ये मत पूछना किसी को भी यूट्यूब पे कमेंट करके कि ये मोटे वाले सर कौन है। ओके चलो, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो टाइप्स थे मोशन के हम लोगों ने पढ़े हुए थे, दो है मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एज वेल एज मोशन इन 3D। ओके, तो बच्चों जब हम लोगों ने मोशन इन 1D पढ़ा था तो मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताए थे। वो एग्जांपल्स क्या थे जानते हो? सबसे पहला था एग्जांपल हमने जहां पे देखा था कि एक इंसान था जिसका नाम हम लोग हमेशा रखते हैं मनोज। आप लोग जानते हो मनोज है। मनोज अगर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और He is traveling along minus x direction, हम देखते हैं कि अपनी मोशन के दौरान वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा होगा, such type of motions are called is known as straight line motion। Okay? ये भी हो सकता है कि मनोज के थॉट में आए कि क्यों ना मैं ऊपर की दिशा में चलना चालू कर दूं, या मैं गड्ढा करके गड्ढे में कूद जाऊं, दैट इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। यहां पर भी एट अ टाइम या तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, या तो वो पॉजिटिव या तो वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। ऐसी टाइप की मोशंस को हम लोग कहेंगे मोशन इन 1D। अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 1D आर मोशन ऑफ अ कार और मोशन ऑफ अ ट्रेन। ओके, नाउ लेट अस सी मोशन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, जब कभी कोई बॉडी एट अ टाइम दो डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट तय करती है उसे हम कहते हैं मोशन इन 2D। जैसे अगर मैं कहूं कि एक फिल्टर है, वो अपने बॉलर की तरफ बॉल फेंकता है, तो दैट इज अगेन मोशन इन 2D। क्योंकि यहां जब कोई फिल्टर बॉल फेंकेगा तो कोई ना कोई दूर बैठा हुआ बॉलर उसे कैच करेगा। जब वो फिल्टर फेंक रहा है तो उसे वो फेंक रहा है एट एन इंक्लाइन लाइन, नहीं जम रहा, ठीक है। तो यहां वो फील्डर ने इंक्लाइन लाइन में बॉल को फेंका हुआ है। जब वो इंक्लाइन लाइन में बॉल को फेंक रहा है, हम देखते हैं कि बॉल सपोज करो यहां से ट्रेवल कर रहा है, कुछ ऐसे गया। जब वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो वो थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है और थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है। तो एट अ टाइम वो दो डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसीलिए इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे मोशन इन 2D। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फील्डर थ्रोइंग अ बॉल टुवर्ड्स अ बॉलर, ये एक। नेक्स्ट, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल। ठीक है बच्चों, इन एग्जांपल्स को हम वापस से डिटेल में देखने वाले, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरा टाइप ऑफ मोशन था मोशन इन 3D, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि जो पार्टिकल रहेगा या फिर जो भी हमारा बॉडी रहेगा वो एट अ टाइम 3 डायरेक्शंस में मोशन परफॉर्म करने वाले हैं। कौन कौन से डायरेक्शंस होंगे? एट अ टाइम एक्स डायरेक्शन में भी मूव होगा, एट अ टाइम वाई डायरेक्शन में भी मूव होगा, एज वेल एज एट अ टाइम जेड डायरेक्शन में भी मूव होगा। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन 3D। फॉर एग्जाम्पल, चलो सोचो एग्जाम्पल्स कौन से होंगे तो मोशन ऑफ अ काइट। तो हाँ, हमने देखा है कि जब कभी हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग या फिर काइट हमारी एक्स डायरेक्शन में भी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, वाई में भी मोशन परफॉर्म कर रही होती है, एज वेल एज जेड में भी। देयरफॉर वी कैन राइट दैट एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3D इज मोशन ऑफ अ काइट। ओके, देन अगर हम लोग वापस से आना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर, तो हम लोग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इट इज सिंपली अ मोशन अंडर ग्रेविटी, एक ऐसी मोशन जो परफॉर्म करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इसका एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम वापस से इस एग्जांपल को दोबारा देखेंगे, तो लेट अस सी अ फुटबॉल बीइंग किक्ड बाय अ फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, तो यहां ना हमारे पास अगेन हम मनोज को याद करेंगे। ठीक है, मनोज के सामने एक बॉल रखा हुआ था। ठीक है, मनोज ने क्या करा, इस बॉल को हिट करा। जैसे मनोज इस बॉल को हिट करेगा इस डायरेक्शन से, तो ये देखा जाएगा कि ये पाथ ट्रेस करेगा,
बच्चों यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होंगे तो हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होना जरूरी है। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा हम उस पार्टिकल को या फिर उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ बॉल, अब ये बॉल हवा में जाएगा इस तरीके से सर्टेन वेलोसिटी u के साथ, तो यहां से आगे हमें एक बात का ख्याल रहे कि ये जो बॉल है ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रोजेक्टाइल है। तो एट अ टाइम इसके पास कौन सी वेलोसिटी है u, तो हम देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u जिस वेलोसिटी से हमने इसको स्ट्राइक करा है उस वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा सा x डायरेक्शन में भी आ रहा है और थोड़ा सा y डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो एट अ टाइम मैं कह सकता दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन, ओके, और आई कैन से दैट कि ये जो मोशन परफॉर्म हो रही है ये मोशन x और y प्लेन में ट्रैवल की जा रही है, इसीलिए इस मोशन को हम कहेंगे मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये जो मोशन परफॉर्म हो रही है अलोंग x डायरेक्शन भी हो रही है अलोंग y डायरेक्शन भी हो रही है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी में से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो पार्टिकल को x डायरेक्शन में भी मूव करवा रहा है और कुछ y डायरेक्शन में भी मूव करवा रहा है। तो फिर वो कंपोनेंट्स कौन से, तो हम लोग क्या कर लेते हैं उसकी कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेते। सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर मान लेते हैं एक एंगल से ये मूव हो रहा है दैट इज एंगल थीटा, ठीक है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं यू एक्स से और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यू वाई से, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, तो इसको हम कहते हैं यू कॉस ऑफ थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा उसको मैं कहूंगा यू साइन थीटा। तो बच्चों यू कॉस थीटा क्या कर रहा है और यू साइन थीटा क्या कर रहा है, यू कॉस थीटा की वजह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है और यू साइन थीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पार्टिकल को मोशन वाई डायरेक्शन में प्रोवाइड करने के लिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ा जाए। तब मैं ये देखता हूं कि अपनी मोशन के दौरान कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे इसके अलग अलग वेलोसिटीज क्या रहने वाली है। तो बच्चों जब पार्टिकल यहां होगा एट ओरिजिन उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएगी, u sin थीटा उसको वर्टिकली अप मूव करवाएगी। एट पॉइंट ए मैं देखता हूं पॉइंट ए पर वो मैक्सिमम हाइट ट्रेस कर चुका है ग्राउंड से, ठीक है। तो बच्चों जो ये मैक्सिमम हाइट ट्रेस कर चुका हुआ है इस पॉइंट पर वेलोसिटी कौन कौन सी है, तो मैं देखता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल और नहीं जाता, जिसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया। दैट मींस यहां पर मैं कह सकता हूं कि uy इज इक्वल्स टू 0, तो फिर बचा कौन सा कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा। अब यहां से आगे जब हमारा पार्टिकल जा रहा होगा तो इसको रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा आगे लेके जाने के लिए, u cos ऑफ थीटा। अब जैसे जैसे यह आगे जाएगा ये देखा जाएगा कि वो मान लो यहां पर आ गया, अब जब वो यहां पर आ जाएगा तो मैं देख रहा हूं कि अलोंग वाई डायरेक्शन नीचे जा रहा है और अलोंग एक्स डायरेक्शन आगे जा रहा है, तो आगे कौन लेके जा रहा है इसको यू कॉस ऑफ थीटा और नीचे कौन लेके जा रहा है बच्चों इसको यू साइन थीटा। एट दिस पॉइंट अगेन इस पॉइंट पर इसके पास अगेन दो वेलोसिटीज होगी, एक होगी यू कॉस ऑफ थीटा और दूसरी होगी यू साइन थीटा। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और यहां पर जो हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो रहेगी u दैट विल बी इक्वल्स टू द सेम इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा यहां नहीं बनेगा, सॉरी थीटा यहां बनेगा, ओके, इस तरीके से। तो यहां पर मैं एक चीज कह सकता हूं क्या कि जब कोई बॉडी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका मैं अगर देखूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे चेक कर लो u cos थीटा है, यहाँ पर चेक कर लो u cos थीटा, यहाँ पर चेक कर लो u cos थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। कोई अगर कंपोनेंट चेंज हुआ है तो दैट इज u sin थीटा। अब सोचने वाली बात है यार कि u sin थीटा कम हो रहा है बढ़ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो बच्चों देखो u sin थीटा क्या कर रहा है, बॉडी को या तो ऊपर मूव कर रहा है या तो नीचे मूव करवा रहा है। तो जब वो ऊपर मूव करवा रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको ऊपर जाने नहीं देगा। जब उसको ऊपर जाने नहीं देगा तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज करेगा मोशन के लिए, इसीलिए कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पार्टिकल ऊपर जा तो रहा है इनिशियली लेकिन धीरे 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 यहां पर आकर उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हो गई जीरो, ठीक है। अब यहां से जब वो आगे जा रहा था तो ये देखा गया कि वो अब नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा वहां पर सबसे टॉप कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो हो गया, तो फिर बचा कौन सा था अलोंग जेड अलोंग
एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन तो उसको साइड में लेके जा ही रहा है, जा ही रहा है। अब जब इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन जीरो हो चुका है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशन पुल। उसको अभी नीचे खींचना चाहता है, तो जब उसको नीचे खींचेगा तो ये देखा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी वापस से यहां से लेके यहां तक बढ़ते 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 जाएगी, लेकिन नीचे की डायरेक्शन। ठीक है, चलो। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि यहां पर कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि भाई उसके रास्ते में ना एयर रेजिस्टेंस आता है, ना फ्रिक्शन आता है उसको अपोज करने के लिए। लेकिन जब कोई बॉडी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन मूव होना चाहती है, तब उसके पास दो चीजों का अपोजिशन होता है। पहली बार अपोजिशन एक बार होता है, दूसरी बार अपोजिशन जो है वो उसको हेल्प करने लग जाता है। पहली बार उसको अपोज कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और दूसरी बार उसको वो पकड़ के नीचे लेके आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अलोंग वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन है बॉस, लेकिन किसकी वजह से एक्सेलरेशन है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं बात सोचू कि जब बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो उसको मूव कौन करवा रहा था? यू कॉस थीटा। मैं कहीं पर भी चेक करता हूं तो यू कॉस थीटा का वैल्यू चेंज ही नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है। दैट इज वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। ओके, चलो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, क्योंकि इसके आगे भी हमें पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है सर, पॉज करो। ओके, चलो। तो एक काम करते हैं, हम वापस से वैसे शुरू कर रहे हैं जहां पर हमारे पास एक x एक्सिस बनी हुई है, एक y एक्सिस बनी हुई है। ठीक है, अब जब क्योंकि हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो हमें मोशन का एनालिसिस करना होगा दो डायमेंशंस के हिसाब से, अलोंग x डायरेक्शन भी और अलोंग y डायरेक्शन भी। आप y z की डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, फिर z x में भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम किस दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम उस मोशन को परफॉर्म करवा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x और y डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसने एक पाथ ट्रेस करा है। वो पाथ कैसा ट्रेस करा है? कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अलग अलग पोजीशंस पर मैं उसकी वेलोसिटीज चेक करना चाहता हूं, तो सबसे पहले पास उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है विच इज u। ठीक है, यहां उसका सर्टन कॉम्पोनेंट बना है सर्टन एंगल थीटा की वजह से, दैट इज ux, और यहां बना हुआ है uy। ओके बॉस, यहां क्या होगा? ठीक, इस पॉइंट पर क्या हो चुका होगा? यहां पर सिर्फ और सिर्फ u cos theta जिंदा रहने वाला है, और u sin theta that is इसको ux लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ux रहने वाला है, और यहां पर जो uy कंपोनेंट है वो मर चुका है एट दिस मोमेंट। यहां पर अगेन दोनों जिंदा हो चुके हैं, एक उसको नीचे लेके आने के लिए uy, और एक उसे आगे बढ़ाने के लिए ux। तो यहां पर अगेन किसकी कितनी इनिशियल वेलोसिटी मिले, कितनी फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, उतनी ही जितनी इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसे प्रोजेक्ट करा हुआ था। ठीक है बॉस। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं अगर यहां एट रैंडम पोजीशन पूछना चाहूं तुम्हें, तो तुम वापस से कहोगे कि सर यहां पर एक कंपोनेंट बनेगा यूएक्स, और दूसरा जो कंपोनेंट बनने वाला है इट विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन विच इज यूवाई। सेम हाइट पर यहां से आगे अगर मैं बढ़ू, यहां मैं तुमसे पूछता हूं बच्चे यहां पर कितना रहेगा, तो तुम कहोगे सर यहां पर तो x कंपोनेंट ux ही रहने वाला है, लेकिन जो y कंपोनेंट रहेगा वो ठीक उतना ही रहेगा जितना पहले रह चुका था। तो ज्यादा लंबा बना दिया बस मैंने। चलो, कितना रहने वाला है? दैट इज अलोंग y डायरेक्शन uy। फर्क क्या है? जितना मैग्नीट्यूड uy का यहां होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड uy का यहां पर भी होगा। एक छोटा सा फर्क है क्या बॉस? डायरेक्शन। ठीक है, और यूएक्स का डायरेक्शन अभी भी वही डायरेक्शन रहेगा जो पहले था। ठीक है, अच्छा, तो ये एक फिगर है जो आप बना सकते हो अपने कॉपीज में, सुधर आपको ये पता चले कि अलग अलग पोजीशंस पे वेलोसिटी कैसे कैसे रहने वाली है। तो मैं यहां देखता हूं, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां पर थोड़ी कम हो चुकी होगी क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रहा होगा। यहां पर जाकर इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन हार चुकी है, वो जीरो हो चुकी है। लेकिन बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा है? यूएक्स। वो तो अपनी ताकत से इसको आगे लेके जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे लेके जाता है हम देखते हैं कि इनिशियल कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ जैसे का वैसा रहा, और वर्टिकल कंपोनेंट अभी धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया, और लास्ट मोमेंट पे जब वो स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पर, तो उसका इनिशियल तो उसका फाइनल कंपोनेंट उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो एक फिगर और हम बनाएंगे जहां हम यहां से कुछ डेरिवेशन निकालने वाले, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने वाले। ठीक है, मुझे मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैंने इसके पहले भी क्लास में तुम्हें बोला हुआ है कि जब कभी हम काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन
सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें वो प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तुम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारा सबसे पहला ध्यान किस पे जाना चाहिए, वो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने पढ़े हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी को यूज करके अभी मैं तुम्हें आगे डेरिवेशन निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, यहाँ पे आपने बॉडी को फेंका है विद वेलोसिटी u, और जैसे कि आपने देखा कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे 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 घटते गया, भाई कितने से घटेगा, तो उसको मैं ना यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ कि ये एक रैंडम पॉइंट है, ये पहले तो हाईएस्ट पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये एक रैंडम पॉइंट है, लेट अस गिव इट इट्स नेम ओ, ठीक है। यहां पर उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, अगर ये u है ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट्स मैंने यहां बना लिए u x दैट इज इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा u y दैट इज इक्वल्स टू u sin ऑफ थीटा, ठीक है। u sin थीटा उसको ऊपर लेके जा रहा है, u cos थीटा उसे आगे लेकर जा रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, u cos ऑफ थीटा। ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पांसिबल कंपोनेंट कौन है, u sin थीटा, लेकिन इस मोमेंट पर जब वो कुछ दूरी पर आ चुका होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो अपोज किया जाएगा, तो यहां पर इस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी रहेगी, मैं पूछूंगा तो तुम्हारा तुम्हारा आंसर होना चाहिए u sin थीटा माइनस माइनस कितना g इनटू t, क्लियर है। अब ये कैसे आया थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम तोड़े तो इसको हम दो हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। कैसे, प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी रिटन एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, ओके। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, मैं एक काम करता हूं, मैं ना ये अज्यूम कर लेता कि हॉरिजॉन्टली मूव कौन करवा रहा है, इनिशियली इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो इट इज ux, it is given by u cos of theta, okay। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्टिकल मोशन कौन करवा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, इट इज u sin theta, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं तुमसे अब ये पूछता हूं बच्चों कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना कम हुआ ना बढ़ा, वो तो जितना पहले था उतना ही बाद में था, इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। बट जब बॉडी हमारी ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो उसको अपोज कर रहा है ऊपर जाने से, इसीलिए हम क्या करेंगे ना यहां पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कंसिडर करेंगे माइनस जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ना मुझे यहां पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो हमें पता है एज काइनेमेटिक इक्वेशन एक पढ़ा हुआ हमने v = u + at, वैल्यूज प्लेस करो बॉस, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी vx = ux + ax * t, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज ऊपर प्लेस करी हुई है, चलो लिखो उसको। तो vx का वैल्यू कितना मिलने वाला है, vx = ux, ux कितना है बॉस, u cos ऑफ थीटा प्लस ax कितना है वो तो जीरो है, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी भी कितना मिला आपको, u cos ऑफ थीटा, एक बार चेक कर लो, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम है, वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहां तुमसे पूछूं अगेन एज v इज इक्वल टू यू प्लस at, अगर हम लोग यहां लगाते हैं तो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग ux सॉरी ui प्लस ay into t, वैल्यूज प्लेस कर लो मुन्ना, u sin थीटा एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है माइनस g into t vy, therefore vy is equals to कितना मिला हमें u sin थीटा माइनस gt at any point, अगर तुम्हें इनिशियल अगर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो तुम अलोंग वाई डायरेक्शन क्या करोगे, u sin थीटा माइनस gt, और यही वजह है कि मैंने उसको यहां पर कंसीडर करा है u sin थीटा माइनस gt, ओके। सो एम आई क्लियर टिल नाउ, चलो एक काम करते हैं, हम ये देख रहे हैं बस कि जब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है ना तो सर्टेन डायरेक्शन ट्रेस कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शन में मूव हो रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन, तो ये जो इस डायरेक्शन में मूव हुआ एट पॉइंट पी तक अलोंग वाई डायरेक्शन, इसको मैं ना लिख देता हूं वाई ऐसे, और थोड़ा सा ना इसने एक्स डायरेक्शन में ये मोशन परफॉर्म करा है दिस, तो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि जब वो पॉइंट पी पर है तो उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा और अलोंग वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा।
चलो तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या करना चाहिए। तो लेकिन मैंने तुम्हें एक बार सिखाई है बच्चों क्या, कि कभी भी अगर तुम काइनेमेटिक्स का कोई भी सवाल सॉल्व करने में अगर अड़ जाते हो तो कहां जाना है, स्टिक टू योर बेसिक्स। व्हाट इज इट, जस्ट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सिमिलरली हम ये जानते हैं कि एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन मैंने कितना कंसिडर करा है x, तो x is equals to बनेगा ux into t plus half ax into t का स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर लो बच्चा, x is equals to ux into t, ux कितना है u cos of theta into t plus half, ये तो जीरो हो गया, ओह नो, टू t स्क्वायर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन कितना मिला, u cos theta into t। चलो इसे याद रखना है, ये हमारे काम आएगा आगे, ठीक है। चलो उसी तरीके से as s is equals to u y t plus half a t square होता है, यहाँ पर भी तुम values place कर लो, तो u y का value कितना है बच्चों, u sin theta t minus half g t square, तो हमें मिला displacement along y direction y is equals to u sin theta t minus half g t square, ठीक है। ये भी एक हमें रिजल्ट मिला, चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मैं वापस से वीडियो क्लीन सॉरी बोर्ड क्लीन करूंगा और यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस परफॉर्म करे थे, उस डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा मतलब है ठीक ठाक थोड़ा सा, सो दैट हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। चलो Let us consider a particle is moving with an initial velocity of u is equals to 2i plus 3j and its acceleration is given by initial acceleration is given by 4i plus 2j and we are expected to find velocity and displacement at t is equals to 2 seconds, ठीक है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज बहुत क्लियर कर बताई थी, याद है, जस्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम क्या होना चाहिए, तुम्हें तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन याद आने चाहिए, तो बस मेरे पास वही है और थोड़ा सा बेसिक्स चाहिए मुझे स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। बच्चों तुम जानते हो कि कोई भी अगर सबसे पहले क्या करो कि जो तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है ना, जो भी तुम्हें गिवन डेटा दिया हुआ है उसको तुम यहाँ पर लिख लो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीवन दाता। तुम्हें पता है मैं गिवन डेटा को हमेशा जीवन दाता क्यों कहता हूं, क्यों कहता हूं, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल का जीवन दाता है बेटा, अगर तुमने इसको ठीक से नहीं लिखा तो हो गया न्यूमेरिकल अपना सॉल्व, ठीक है। चलो तो गिवन डेटा में क्या दिया है, वेक्टर u इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं कि एज कोई भी वेक्टर अगर होता तो हम उसको लिख सकते थे ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो सिमिलरली इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इसी वेक्टर में छुपे हुए होते हैं, तो एक काम कर लो ना, सीधा यही के इसके कंपोनेंट निकाल के रख दो, ux is equal to मिला तुम्हें t और uy तुम्हें मिला यहां से 3। सिमिलरली वेक्टर a is equal to कितना मिला है हमें 4i plus 3j, सिमिलरली ax कितना मिला 2 एंड ay हमें मिला सॉरी ax हमें मिला है 4 एंड ay हमें मिला हुआ है 2। बहुत बढ़िया, चलो तुम लोगों ने गिवन डेटा बहुत अच्छे से लिख लिया और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम भी तो जीवन दाता है ना तुम्हारा, इट इज 2 सेकंड्स। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, अब क्या करोगे क्या करोगे, हमें वेलोसिटी निकालनी है t = 2 सेकंड। हम जानते हैं एज वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू एज v = u + at होता है, सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी रिटन एज ux प्लस ए एक्स इंटू टी। वैल्यू प्लेस करो, यू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 प्लस ए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो बच्चों क्या मिला 4 प्लस 4 टू 8 प्लस 2 10। अच्छा ये अलोंग वेलोसिटी अलोंग एक्सीलरेशन है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करना, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा 10 आई कैप से। सिमिलरली अगर मुझे पूछा गया है वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, जो कि हाँ पूछा ही हुआ है क्योंकि वेलोसिटी पूछा है, तो हमें x कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा y कंपोनेंट भी निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे एक्सपेक्टेड है वेक्टर फॉर्म, तो हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर देना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ui plus ay into t यहाँ पर is equals to ui का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3
प्लस एवाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड्स, तो ये हो गया 2 + 4 + 3 = 7 अलोंग वाई डायरेक्शन, इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा जे कैप। अगर बच्चों मैं तुमसे पूछूं वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिखो, तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, वेक्टर v इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, दैट इज दिस इंप्लाइज वेक्टर v इज इक्वल्स टू 10 i कैप प्लस 7 j कैप। तो यहां पर हमारा पहला टाइप, पहला जो पार्ट था प्रॉब्लम का, वो सॉल्व हो चुका है। कितना मिला हमें वेलोसिटी, वेक्टर v इज इक्वल्स टू 10i प्लस 7 j कैप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तुम्हारा यहां पर वेलोसिटी निकल गया अलोंग y डायरेक्शन अलोंग x डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा जी, सेकंड पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन के लिए फार्मूला, y डायरेक्शन के लिए फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है, बेसिक पे चलना है। बेसिक क्या कहता है, as s is equals to ut plus half at square, displacement along x direction will be given as uxt plus half axt square। चलो values place कर दो फटाफट, ux का value कितना दिया है 2, t का value कितना दिया है 2 plus half, ax का value कितना दिया है बच्चों 4, t कितना दिया होगा वापस से 2, उसका भी square, ठीक है, ये मिला तुम्हें 2 2 4 plus 2 into 4 मिला 8 प्लस 4 12, तो वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना मिला 12। अच्छा, क्वेश्चन में सारा का सारा वैल्यूज दिया था तुम्हें वेक्टर फॉर्म में, तो तुम्हें यहां पर भी किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, तुम्हें मिला 12 आई कैप। अच्छा जी, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, तो तुम बड़े हो गए ना, 2 मिनट पहले जितने थे उससे बड़े हो गए तुम लोग, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यूज प्लेस कर लो, uy का वैल्यू कितना है 3 into 2 plus half, ay का वैल्यू कितना है बच्चों 2 into 2 का स्क्वायर, ठीक है 3 2 6 plus 4 that is 10। अच्छा, ये along y direction है इसलिए j cap तुमने लिखा, sy वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वेक्टर दे दो यहां पर। तुम्हें क्या चाहिए था, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो वेक्टर s will be written as s sx i cap plus sy j cap, values place करो बच्चे, तो ये मिला तुम्हें 12 i cap plus 10 j cap, ठीक है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन y डायरेक्शन एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली हमने वेलोसिटीज के भी वेक्टर कंपोनेंट्स निकाले, पहले vx निकाला vy निकाला सीधा उसको वेक्टर फॉर्म में प्लेस करा, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म भी अवेलेबल है। तो ये इस पॉइंट पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे जेईई और नीट लेवल के। ओके, चलो हैव अ ग्रेट डे, बाय।